लॉर्ड्स के मैदान पर 28 साल बाद टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, इंग्लैंड को 95 रनों से हराकर 3 साल बाद विदेशी जमीन पर जीता टेस्ट, ईशांत शर्मा बने मैन ऑफ द मैच, प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को दी ऐतिहासिक जीत की बधाई। प्रधानमंत्री ने परमाणु विज्ञान के विकास में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर दिया जोर, कहा परमाणु ऊर्जा की जानकारी विशेष रूप से देश के स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचनी चाहिए। कल मुंबई में भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र का दौरा कर वैज्ञानिकों से की मुलाकात। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में कहा गाजा को लेकर विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं, सरकार ने कहा हिंसा निंदनीय है, इसराइल और फलस्तीन दोनों को मिस्र की शांति वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तुरंत संघर्ष विराम का किया आह्वान, मरने वालों की संख्या 500 से ऊपर पहुंची, इसराइल का हमास नियंत्रित गाजा पट्टी पर हमले जारी। और यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोहियों ने दुर्घटनाग्रस्त MS-17 विमान के 2 फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मलेशियाई विशेषज्ञों को सौंपे।